क्या खालिस्तानी आतंकी की हुई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग? आतंकी हरदीप सिंह निजर की हत्या का सचाया सामने। आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का सच नजर आएगा, क्योंकि जब से निज्जर की हत्या का एक वीडियो सामने आया तब से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरदीप सिंह निज्जर की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई और हरदीप सिंह निज्जर क्या वाकई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शिकार हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। कनाडा में बीते साल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर की हत्या के समय का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो फुटेज में दो गाड़ियों में आए 6 हमलावर निज्जर को घेरकर उस पर गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। कनाडा के एक न्यूज चैनल ने निज्जर की हत्या का वीडियो साझा करते हुए कहा है कि एक बड़े स्तर पर प्लान ऑपरेशन लगता है। रिपोर्ट में इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया गया है। निज्जर की हत्या का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि हरदीप सिंह निज्जर एक पिकअप ट्रक जैसे वाहन से गुरुद्वारे की पार्किंग में आता है। इसके बाद वे जैसे ही बाहर निकलता है तो कारें तेजी से उसके पास आकर रुक जाती हैं। कार में से कुछ लोग निकलते हैं और निज्जर पर गोलियां बरसा देते हैं। निज्जर को कई गोलियां लगती हैं और तुरंत ही हमलावर कार में बैठकर तेजी से फरार हो जाते हैं, जिसे अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का नाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की हत्या जिस पार्किंग में की गई उससे कुछ दूरी पर फुटबॉल खेल रहे दो युवकों ने गोली की आवाज सुनी थी। युवक ने बताया था कि वे निज्जर की मदद के लिए उसके पास पहुंचे, तब तक हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए थे। निज्जर के पास सबसे पहले पहुंचे युवकों ने जब उसकी छाती दबाकर उसको बचाने की कोशिश की तो वो सांस नहीं ले रहा था, यानी निज्जर मर चुका था। हरदीप सिंह निज्जर का ताल्लुक पंजाब के जालंधर में भार सिंहपुरा गांव से था। निज्जर की भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को साल 2020 में आतंकी घोषित किया था। 18 जून 2023 की शाम को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ समय बाद सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जिसके बाद भारत ने आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में काफी तनाव देखने को मिला था। कनाडा ने कई बार इसको लेकर भारत को कटघरे में खड़ा किया था। वहीं कनाडा में सक्रिय दूसरे खालिस्तानियों खासतौर से गुरपतवन पन्नू ने कई बार वीडियो जारी करते हुए निज्जर की हत्या का बदला लेने की बात की थी और धमकी तक दी थी। फिलहाल आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर 1996 में कनाडा चला गया था, जहां उसने प्लंबर का काम भी किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसकी संपत्ति में अचानक से बढ़ोतरी हो गई। बताया जाता है कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े निज्जर ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद नंबर 2 का पद संभाल लिया था। धीरे धीरे उसकी पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के तौर पर होने लगी, जिसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारा का निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया। इसके बाद से वह कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर प्रसिद्ध हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर भी हमले की साजिश रची थी। आतंकवाद में निज्जर की भागीदारी जगतार सिंह तारा के नेतृत्व वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल में उसकी सदस्यता के साथ शुरू हुई। इसके बाद उसने अपने समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स की स्थापना की। इसके लिए उसने लोगों को जोड़ा, प्रशिक्षण दिया और फंडिंग करने में मदद की। इन सब मामलों को लेकर उसके खिलाफ 10 से ज्यादा FIR दर्ज है। साल 2014 में निज्जर ने आध्यात्मिक नेता बाबा भानियारा की हत्या की साजिश रची। वहीं 2015 में उसने मनदीप सिंह धारीवाल को निर्देश देने के लिए कनाडा में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसके बाद में शिवसेना नेताओं को निशाना बनाने के लिए मिशन के साथ पंजाब उसे भेज दिया गया। मनदीप को जून 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया था। खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर ने 2013-14 में पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इस यात्रा का पूरा खर्च पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उठाया था।
इस दौरान निज्जर की मुलाकात पाकिस्तान में छिपे हुए खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से हुई थी। तारा को 2015 में थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2020 में निज्जर के साथ ही गैंगस्टर अर्श दल्ला के साथ साझेदारी की, जो विदेश में रह रहा था। दोनों ने मिलकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या भी की थी। फिलहाल अभी जब से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का वीडियो सामने आया है, तब से खालिस्तानी आतंकियों के होश उड़े हुए हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो के आने के बाद इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करार दिया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।